मेरे पास है आप लोगों को देने के लिए बहुत ही जबरदस्त और काम की न्यूज, जिसमें मेरे पास पहली न्यूज है कि अगर आप इस बार वोट देंगे तो आपको मिलेगा नोट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि झोले भर भर के आपको नोट मिलने वाले हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। मैं बाइक की न्यूज आपको देता हूँ, बाइक से रिलेटेड न्यूज है। अगर आप इस बार वोट देने के बाद जो आपके उंगली पर स्याही लगी होती है उसको जाके हीरो कंपनी में दिखाएंगे तो आपको सर्विस चार्ज कम लगेगा, मतलब कि 199 रुपये में आपकी बाइक की सर्विस होगी। अब हो सकता है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको स्पेयर पार्ट पे भी थोड़ी सी छूट मिल सकती है या नई बाइक खरीदने पर भी मिल सकती होगी। अगर आप शोरूम में जाएंगे पता करेंगे तभी। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जाके उंगली की स्याही दिखाएं और आप लोग कहें नई बाइक कम में दे दो, तो भाई मैं इस चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप लोग सही से सुन लें। हो सकता है कंपनी ये ऑफर दे सकती है, लेकिन सर्विस चार्ज पे ये आपको कंफर्म न्यूज दे रहा हूं मैं आपको कि सर्विस चार्ज कम लगेगा हीरो कंपनी में। अभी और किसी कंपनी ने ये इस ऑफर की शुरुआत नहीं की है, हीरो कंपनी ने ये जो पहल की है ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप लोग वोट तो देने जाएंगे ही। अब जब वोट देने जाएंगे और आप अगर हीरो की बाइक रखे हुए हैं तो सर्विस अगर आप करवाने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, जब आप वोट दे के आएंगे तब आप सर्विस करवा लेंगे, तो आपका जो फायदा होगा वही आप समझ लीजिए कि वोट के बदले आपको नोट मिल रहे हैं। इससे क्या होगा कि इससे लोग वोट देने के लिए प्रेरित होंगे और आपका वोट आपका अधिकार है, आप लोगों को अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए जिससे देश का भी विकास हो सके। आप लोग एक सही व्यक्ति को चुने। अब मैं यहां पर कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा कि आप इस पार्टी को चुने उसको चुने, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है, आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप लोग अपने हिसाब से चुने। मैं ज्यादा इस वीडियो को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करता हूं। ये मेरे पास एक अच्छी न्यूज थी जिससे अगर आप लोग सर्विस करवाने वाले हैं हीरो कंपनी में, हीरो की बाइक रखे हुए हैं, तो आप लोगों का कुछ फायदा हो जाए, मेरा यही मकसद है, क्योंकि आप लोग हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं और आपका फायदा करवाना ही हमारा काम है। तो आपको यह न्यूज कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। और दूसरी न्यूज जो मेरे पास है वो बहुत ही खास न्यूज है, मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि पल्सर 125 NS आने वाली है, लेकिन अब जो पता चल रहा है, जो कंफर्म न्यूज आ रही है, कुछ थोड़ी सी कंफर्म न्यूज आ रही है कि हो सकता है ये बाइक सितंबर तक आ जाए। अब सबसे पहली बात तो सोचने वाली बात ये है कि पल्सर 135 बंद हुई, 135 LS बंद हुई, अब फिर से 125 NS आ रही है, पता नहीं क्यों इतनी बार बंद करते हैं, इतनी बार लॉन्च करते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन इस नई बाइक में जो आने वाली है इसमें आपको BS6 इंजन मिलेगा 125 CC के साथ, ये सबसे अच्छी बात, और इसके साथ आपको फ्यूल इंजेक्शन मिलेगा तो काफ़ी इसकी माइलेज भी बढ़ जाएगी। हाँ ये है कि जो इसके फोटो निकल के सामने आ रहे हैं, अभी बाइक तो अभी आई नहीं है, अभी जो इसकी फोटो आ रहे हैं उसमें ये साफ पता चल रहा है कि ये इस बाइक का मॉडल पल्सर 135 LS जो आपने देखी थी उसी की तरह सेम टू सेम लुक है। हाँ इसका जो कलर है, जो इसके स्टिकर हैं, जो आपने पल्सर 200 NS या 160 NS देखी है उससे ही इंस्पायर्ड रहने वाले हैं, वैसे ही इसके अंदर स्टिकर कलर, इसके साइलेंसर का भी कलर चेंज हो सकता है, तो कुल मिला के मॉडल वही रहेगा इसके अंदर, लेकिन इंजन चेंज हो जाएगा, BS6 हो जाएगी और फ्यूल इंजेक्शन इसके अंदर लग जाएगा। वैसे भी बजाज कंपनी के अंदर इंजन की कमी नहीं है, डिस्कवर इन्होंने 125 CC निकाली वो भी EM, और ये बहुत सारी बाइकें निकाली वो भी बंद हुई, और 135 भी, तो कुल मिला के इसके अंदर इन्होंने इंजन लगा के और 125 NS बनाया है, और बाइक में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो आप लोग क्या इसका इंतज़ार करेंगे, या आप लोग अपनी राय जरूर बताएं, या आप लोगों को क्या लगता है कि बार बार बाइकें बंद की जाती हैं, बार बार लॉन्च की जाती हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग राय जरूर दें। लेकिन आपको इसमें काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, तो क्या आप लोग इस बाइक का वेट करेंगे? अभी मेरे पास जो न्यूज़ है, हो सकता है भाई आने के बाद इसके मॉडल में भी चेंज किया जा सकता है, कलर में भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन आप ये मान के चलें लगभग पल्सर 135 LS की तरह ही ये बाइक दिखेगी, लेकिन इसके अंदर जो फीचर हैं जैसे कि ये फ्यूल इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें, और इसके अंदर कॉम्बी ब्रेक का भी सिस्टम कंपनी आपको देगी, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी आने वाली हैं। तो क्या आप पल्सर 125 NS को खरीदना चाहेंगे फ्यूल इंजेक्शन के साथ? आप लोगों की क्या राय है इस न्यूज़ को लेके आप लोग ज़रूर बताएं, और जो मैंने पहली न्यूज़ दी आपको वोट वाली उसके बारे में भी आप लोग ज़रूर बताएं। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी न्यूज़ वाली, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। भाई मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट में बताएं, क्योंकि आप लोगों की राय काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों के कमेंट करने से कंपनियों को भी पता चलता है कि आप लोग क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।